अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, S7 न्यूज में आपका सभी का इस्तकबाल है। मैं सैयद शहबाज, आइए देखते हैं आज की ये खबर। शफी साहब, मिनहान साहब, अबरार सैदाबाद कारपोरेटर अरुणा रविंद्र रेड्डी, मुसरफा कारपोरेटर भाग्यलक्ष्मी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ छावनी डिवीजन मुर्तुजा और मेरे साथियों, मलकपेट के अंदर पहले नंबर ऑटो चल रहे थे, उसके साथ ही साथ 120 डंपर बिन्स थे। 120 डंपर बिन्स में से अचानक 100 डंपर बिन रिमूव कर दिए गए। आज सम्राट साहब ने जीएचएमसी की तरफ से मलकपेट के अंदर 25 मजीद ऑटोज के लिए कहा है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, जिसमें से 6 का हमने आज फ्लैग ऑफ किया है और 19 आएंगे, लेकिन मेरी इस नजर में ये भी नाकाफी है। 600 घर को कवर कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम तमाम के तमाम ऑटो लेकर जाकर सार्वजनिक वृक्षों का वहीं पर कम करते हैं, और एक ऑटो लाइन को जब भरता है तो 6 घंटे 4 घंटे के बाद तो उसका नंबर आ रहा है यहाँ पर डालने के लिए, तो पैसा उन्हें जो फिर करना नहीं कर सकता। दोस्तों, कम से कम हमको जो ऑटो का रिक्वायरमेंट है तो 120 डंपर बिन को कम से कम 60 ऑटो से आप रिप्लेस करना, मिनिमम 60 ऑटो हमको चाहिए। अगर से आप जो सवेरे के टाइम के ऊपर जो टीम हमारे पास है, 100 नंबर ऑटो और ये नए 60 ऑटो हमारे पास 150 ऑटो अगर से हो जाएंगे, तो आपके पास जो 120 के करीब जो डंपर बिन थे उस जगह को टैगलेट करके मेरे पर आने को नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपके स्वीपर्स के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑटो में आ जाए, इजाफा होने के इम्कान है, तो मेरी आप तमाम से ऑफिसर्स को आज बुलाकर तमाम कॉर्पोरेटर्स के साथ ही हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि कहीं पर भी तकलीफ ना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि फलानी हमारे पास टोटल 120 डस्टबिन थे, उसकी रिप्लेस करिए। बल्क गार्बेज कलेक्शन के लिए हर कॉर्पोरेटर वार्ड को, ये आने वाले दिनों के अंदर अब रमजान है और उगादी है, फेस्टिवल सीजन है, तो हमको ये चाहिए कि ये दिनों के अंदर हर डिवीजन को पहले टोंगला के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट निकालता था, लेकिन अब वो नहीं निकाल रहे, ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट के जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो मैंने सुधीर जी से बात किया है कि वो इमीडिएटली 2 दिन और प्रॉपर फॉगिंग करेंगे, लेकिन ये